चैनल आपका स्वागत है। देखिए कमीज की कटिंग कैसे होगी। ये मैं सूट ले ली हूँ, देखिए जड़ी वाला सूट है। यहाँ पे चौड़ा सा लेस दिया और ये इसका सलवार है। पहले सूट की कटिंग करती हूँ, तब फिर सलवार की कटिंग करना आपको बताऊँगी। अब इसको साइड में करती हूँ। इसका चुन्नी देखिए कितना अच्छा दिया है। ये मेरा सूट है, आपको बताऊँगी जब इसको। अब यहाँ पे इसको अब यहाँ पे डबल फोल्ड में इसको बराबर से बिछा लेना कपड़े को। बॉर्डर को यहाँ पे बराबर से कर लेना है। यहाँ से बराबर से इसको कपड़े को मैं दो फोल्ड में बिछा ली हूँ। अब इसकी लंबाई चेक करती हूँ कितना है। अब इसकी लंबाई देखती हूँ कितना है। टोटल इसकी लंबाई यहाँ पे आ रहा है 40 इंच। तो मैं इसको 38 इंच तैयार करूँगी। तो यहाँ पे इसको फोल्ड में नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच कम करूँगी। 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ से मैं गले जो है मैं बकरम पे बनाऊँगी। तो यहाँ से तीरा टोटल मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच ले रही हूँ। हारमोल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच। हारमोल मैं ले रही 7 इंच। अब गले की चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। गले की लंबाई मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। नॉर्मल गला मैं 7 इंच बनाती हूँ। ये मैं बकरम पे गला बनाऊँगी। अब चेस्ट यहाँ पे मैं 40 का बना रही हूँ, तो चौथाई हिस्सा मैं लूँगी 10 इंच। 10 इंच पे मार्कर कर लेना है। चेस्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 इंच, 40 का है तो 10 इंच पे मार्कर कर रही हूँ। इसको मैं बराबर, ये कपड़े बराबर नहीं था तो इसको मैं मिटा देती हूँ। अब यहाँ पे अब ऊपर से एक कमर के लिए मैं एक मार्कर लगाऊँगी 14 इंच पे। 20 इंच पे हिप लगेगा। टोटल इसकी लंबाई 38 इंच मैं तैयार करूँगी। 39 इंच मार्कर कर रही हूँ। अब ऊपर से मैं 1/2 इंच लंबाई कम करूँगी। यहाँ से आइए 1/2 इंच कपड़े लंबाई कम करूँगी। अब हारमोल की गोलाई देखती हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं बढ़ाती हूँ कि ऊपर से थोड़ा सा मैं लंबाई कम करूँगी। अब यहाँ से कमर मैं यहाँ पे लूँगी, कमर है मेरा 18, तो यहाँ पे मैं लूँगी 9 इंच। 9 इंच पे मार्कर कर देना है। 20 यहाँ पे 40 का है तो यहाँ पे चौथा हिस्सा मैं 10 इंच ले रही हूँ। एक साइड का यहाँ पे 20 इंच है तो यहाँ पे मैं 10 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्कर कर देना है। नीचे का जो घेरा मैं बनाऊँगी 10 इंच, मतलब 20 इंच का घेरा बनाऊँगी। डबल में 10 इंच ली हूँ। अब यहाँ से इसको सीधा मार्का कर देना है। ये फोल्ड वाला, ये कुर्पाई वाला मैं बनाऊंगी सूट। अब यहाँ पे फंटी को लेना है और यहाँ पे इसको मार्का कर देना है। इसको यहाँ पे साइड में करती हूँ और इसको यहाँ से इसको भी सीधा मार्का कर देना। कमर वाला है और जो हिप वाला है इसको भी मैं सीधा मार्का कर दूंगी। यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। अब फ्रंट में 1/2 इंच डाउन कर देना है। अब यहाँ पे हारमोल की गोलाई बना देना है और 1/2 इंच अंदर के साइड डाउन कर देना है। अब यहाँ मैं बी गला बनाऊंगी बकरम पे। अब यहाँ पे जैसे मार्कर लगाई थी इसको कटिंग कर देना है। अब यहाँ से 1/2 इंच मैं कपड़े को निकाल दूंगी। अब यहाँ पे हारमोल की गोलाई कटिंग कर लेना है। यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा मैं सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे इसको मैं कटिंग करके निकाल दूंगी।
अब यहाँ पे मेरा आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई, जिसको साइड में करती हूँ। और जो बचा है इसको कपड़े पीछे वाले पार्ट की कटिंग करना है। अब यहाँ पे इसको मैं डबल फोल्ड में बिछा लूँगी कपड़े को। अब यहाँ पे मैं पीछे वाले पार्ट को डबल फोल्ड में बिछा ली हूँ। अब आगे वाले पार्ट को लेना है, इसके ऊपर इसको बराबर से रखना है। यहाँ बराबर से मैं इसको आगे वाले पार्ट को बिल्कुल बराबर से यहाँ पे बिछा लेना है कपड़े को। यहाँ पे तुरपाई वाला मैं यहाँ पे दूसरी तरह कपड़े लगाना पड़ेगा, जो उल्टे सीधे साइड से लगा के उल्टे साइड फोल्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे आगे और पीछे पार्ट की कटिंग हो गई, इसको साइड में कर देना है। अब एक कुट का यहाँ लगा देना है, एक कुट का सीना पे लगाना है, एक कुट का कमर पे लगाना है। अब एक कुट का यहाँ पे लगा देना है हिप पे। अब इसको यहाँ पे साइड में कर देना है। और यहाँ पे हारमोन की गोलाई चेक कर लेना कितना आ रहा है। अब यहाँ पे हारमोन की गोलाई चेक कर लेना है, मेरे मेजरमेंट में आ रहा है यहाँ पे 9.5 इंच। अब बाजू की कटिंग कर लेना है, जो बचे हुआ कपड़ा इसमें से बाजू की कटिंग करना है। अब यहाँ पे डबल फोल्ड में मैं करूँगी इसको कपड़े को। अब इसको यहाँ पे डबल फोल्ड में कर देना है, पहले दो फोल्ड में बिछाना कपड़े को। अब इसको दो फोल्ड में मैं बिछाई हूँ, फिर इसको बीच में से एक फोल्ड और बिछाना थे, 4 फोल्ड हो गया है। अब इसकी लंबाई या चौड़ाई चेक कर लेना कितना है। ये लंबाई यहाँ पे 20 इंच है, तो यहाँ से मैं इसको भी कटिंग करूँगी बराबर से। अब यहाँ पे 2 इंच मैं फोल्ड के लिए लूँगी तुरपाई के लिए। अब यहाँ से मेरा यहाँ पे यहाँ तक बराबर है। अब देखती हूँ इसकी लंबाई कितना आ रहा है। लंबाई यहाँ पे मैं 18 इंच ले रही हूँ, तो सिलने के बाद 70 इंच तैयार होगा मेरा बाजू। अब यहाँ से इसको सीधा मार्का कर देना है। अब 3 इंच पे एक मार्का कर देना है। अब एक यहाँ पे एक 3 इंच पे एक और मार्का कर देना है। अब इसको यहाँ पे भी सीधा मैं मार्का कर दे रही हूँ। अब यहाँ से हारमोन की मेजरमेंट देखना कितना था, मेरे मेजरमेंट में था 9.5 इंच, 9.5 इंच पे मार्का करना है। अब यहाँ से हारमोन की गोलाई बना देना है। अब यहाँ की मोहड़ी मैं ले रही हूँ 5 इंच, और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब यहाँ पिंच टेप रखना है, और यहाँ पे दोनों को मार्का सेंटर से सेंटर मार्का कर देना है। और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, अब इसको भी मार्का कर देना है। अब यहाँ पे जैसे मार्का लगा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हारमोन की गोलाई को भी कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ पे और जो एक्स्ट्रा है इसको भी कटिंग करके यहाँ पे निकाल देना है। अब इसको यहाँ पे एक कुट का मैं लगा दे रही हूँ। अब यहाँ पे 0.5 इंच यहाँ पे है फ्रंट में, दोनों पार्ट को लेना है, और यहाँ पे 0.5 इंच इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब देखिए आप बाजू की कटिंग हो गई है। अब जो एक कपड़ा बच रहा है पीछे में ज्वाइंट होगा, क्योंकि लंबाई ये दोनों बराबर आ रहा है। जब मैं इसको जो बचा है इसको मैं वहाँ पे लगा के सीधे साइड से उसको पलट दूंगी। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है से लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।